यह कोई चरवाहा विद्यालय नहीं बल्कि सुशासन बाबू की सरकार की यह स्कूल है। यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। सी टीवी का विशेष कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनील भारती। इस विद्यालय में सातवीं कक्षा की छात्रा अगर मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानती तो इसके लिए सिर्फ इस छात्रा को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। किरण कुमार कौन से स्कूल? राजकीय मध्य विद्यालय कंस। कौन से राज्य में रहती हो? बिहार। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नहीं जानती। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नहीं जानती हो? सर अच्छा है, जब सर कभी कभी आते हैं तो पढ़ाते हैं। ये बताओ कि तुम्हारे प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रिंसिपल का रूपमाला देवी। ये नहीं बस। तुम्हारे मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? कौन से जिला में रहती हो? बिहार। कौन से क्लास में पढ़ती हो? सेवेंथ में। क्या नाम है? साइन पढ़ रही हूँ। क्योंकि इसकी प्रधानाध्यापिका को भी बिहार के शिक्षा मंत्री और दरभंगा के जिलाधिकारी का नाम मालूम नहीं है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंसी पंचायत के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को बिहार के शिक्षा मंत्री और जिलाधिकारी दरभंगा का नाम नहीं जानती। कहती है कि यह सब शिक्षकों से पूछिए, मुझसे नहीं। बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे इसे? इसका जवाब हम अच्छा, कैसे आपके बच्चे जहाँ सिस्टम है गलत है पढ़ाई का, उसके उसके बारे में हमको क्या कमेंट करें आप बताइए। अच्छा ये बताइए कि आपके जो है बीओ का क्या नाम है? देवशरण राव। आपके जिलाधिकारी का? जिलाधिकारी का मनोज प्रसाद। मनोज जिलाधिकारी का? डीएम का हा? अब ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा मैडम ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। अच्छा एक मैडम थोड़ा सा बता दीजिए, आपको शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए कम से कम। कोई अभी जवाब नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री का नाम टॉर्चर करना? नहीं टॉर्चर नहीं, एकदम प्रधानाध्यापक को आपको पूछना है तो आप टीचर से जाके पूछिए, जो शिक्षक वर्ग में देते हैं बच्चे को। हमको तो कागजी के लिए सरकार गवर्नमेंट रखे हुए हैं, कागजी खाना पूर्ति करने के लिए। आप अगर आपको यह सवाल करना है तो आप जाकर के शिक्षकों से कीजिए जो वर्ग में पढ़ा रहे हैं। अच्छा आपकी पढ़ाने की दायित्व नहीं है? पढ़ाने की दायित्व है, लेकिन हमारे ऊपर इतना कागजी का बर्डन है, बोझ है नीचे से ऊपर तक लेकर के कि हमको फुर्सत नहीं मिलता है कि हम जाकर के बच्चे का क्लास लें। स्वाभाविक है कि जिस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका देश दुनिया से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखती, वहाँ के बच्चों से बेहतर उम्मीद करना बेईमानी होगा। परिणाम सामने था, इस विद्यालय में सातवीं वर्ग की छात्रा मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाई। विद्यालय में शिक्षा का हाल तो आपने देख लिया, अब जरा स्वच्छता पर नजर डालते हैं। बच्चों के खेलने वाले जगह पर मवेशियों को बांध कर रखा गया है, जिसके चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। टूटा है गंदगी से भरा हुआ है, और हेडमैम को कहते हैं कुछ करती जी समस्या उठा। क्या नाम है? राधा कुमारी। शौचालय है उसमें लेकिन गंदा है, हम सब नहीं जाते। इस पर प्रधानाध्यापिका बिना कोई हिचक के कहती है कि स्वच्छता का काम विभाग का है न कि उनका। कि आपके स्कूल में जो है शौचालय जो है वो टूटा फूटा है हाँ तो, और गंदगी भरा है तो महिलाएं लड़की है वो लड़की को शौचालय करने में समस्या का सामना करना पड़ता होगा। आप भी एक लेडीज है, क्या मानती है? तो इसके लिए हम क्या करें? या तो विभाग न करेगी क्या? विभाग मिनिस्टर को दिए हुए हैं, मैं ये तो विभाग न देगी। अगर स्वच्छ भारत तो चाहती है तो विभाग के द्वारा न इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए मिनिस्टर का प्रत्येक विद्यालय में। विद्यालय अब जरा इस विद्यालय के भवन पर ध्यान दीजिए,
भवन देखने से यह नहीं लगता कि कोई कॉन्वेंट स्कूल ना हो। करोड़ों की लागत से सरकार ने यह भवन तो बना दिया है, लेकिन भवन के अंदर रहने वाले लोगों को शिक्षा का पाठ पढ़ाना भूल गया। इस व्यवस्था से स्थानीय ग्रामीण भी आहत है, लेकिन वह कहे तो किसे, कोई सुनने वाला भी तो नहीं। हम लोग भी सर, हम भी पहले इसी स्कूल से पढ़े हैं। उस टाइम में तो इतना कुछ व्यवस्था नहीं था, मतलब बिल्डिंग वगैरह, लेकिन हम लोग को ये भाग्यवश है कि इतना बढ़िया बिल्डिंग बना। और इसका संरक्षण करने वाला जो भी, चाहे टीचर प्रभारी हों या फिर ग्रामीण जो भी व्यक्ति हों, इनको जो इंचार्ज मिला है, उन लोगों को इस समय देखना चाहिए। लेकिन जब हम एक दिन विजिट किए तो पूरा जो भी शीशा कांच और बाथरूम वगैरह ऊपर छत की हालत सारा गड़बड़ी है। इसमें इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, हमारे प्रभारी जो भी हैं स्कूल के और ग्रामीण जो स्कूल मुखिया वगैरह वगैरह जो भी हैं, कि उनका रहन सहन जो है, बच्चे की पढ़ाई पे इनका बिल्डिंग के जो दे रख रखाव है प्रांगण का, उस सबको फोकस करना चाहिए। उसमें रोशन मिश्रा दो निहालों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है।